ऐसा गजब का बोलने वाले, जिनके शब्द जब मुंह से निकलते थे ऐसी ऊर्जा का भंडार लेकर निकलते थे जो एक मुर्दे को भी खड़ा होने पर मजबूर कर सकता था। वो और कोई नहीं, एकमात्र ऐसे स्वामी जो खासकर युवकों के मार्गदर्शक कहे जाते थे, हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनकी बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी। पिता की मृत्यु के बाद बहुत छोटी सी उम्र में उनके ऊपर घर संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। तो आइए आज ऐसे ऊर्जा से भरे इंसान के अनमोल विचारों को सुनते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द कौन हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह सी जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? तो जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सब से ऊपर प्यार है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। अनेक दिन में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यही अग्नि का दोष है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है।
अगर स्वाद की इंद्रिय को ठील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस पर ध्यान मत दो। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें हमारा हृदय उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपनी ऊर्जा में रोज़ शामिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।